कलर व्हील में जो भी आपके अपोजिट कलर्स होते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं. तो जैसे यहाँ पर्पल के सामने है येलो एंड रेड के सामने है ग्रीन और ब्लू के सामने है. तो जब आप दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हैं तो आपको मिल जाता है ब्राउन शेड. यहाँ पर मैंने ब्लू येलो और रेड कलर लिया है. रेड थोड़ा सा लिया है कि येलो और रेड को मिला के हम पहले बनाएंगे ऑरेंज और ब्लू के संग उसको मिक्स करके ब्राउन शेड आपको मिल जाएगा. ये आ गया आपके पास ब्राउन शेड. अब यहां पर मैं पर्पल और येलो को मिक्स करूंगी. ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं. तो आप कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को जब मिक्स करेंगे तो आपको ब्राउन शेड ही मिलेगा. आप ब्राउन लिपस्टिक रेड और ग्रीन को मिक्स करके भी बना सकते हैं. एंड यहां पे भी आ गया ब्राउन शेड. अब ये जो डार्क कलर के ब्राउन शेड्स हैं इसी में अगर मैं थोड़ा सा व्हाइट ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाइट ब्राउन कलर्स. मैंने इसमें व्हाइट ऐड किया तो यहाँ पे मिल गया मुझे लाइट ब्राउन. सेम ऐसे ही जो मैंने ब्लू और ऑरेंज को मिक्स किया था उसमें भी मैंने व्हाइट ऐड किया. तो यहां मिल गया आपको ब्राउन शेड. आप कलर व्हील को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं लिपस्टिक पैलेट के लिए, आई शेडोज के लिए. तो इसके लिए आपको कलर व्हील जानना बहुत जरूरी है.